वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो आज अब हम बात करने वाले हैं एंडरसन ब्रिज के बारे में। तो इससे पहले अपने पास ब्रिज आ चुके हैं मैक्सवेल ब्रिज और हे ब्रिज। तो बेसिकली अपने को इस ब्रिज की रिक्वायरमेंट क्यों आती है जब अपने पास ऑलरेडी दो ब्रिज है इंडक्टेंस मेजर करने के लिए। तो अपना मैक्सवेल ब्रिज था वो अपना मीडियम इंडक्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है, जो अपना हे ब्रिज आपने जो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके तैयार किया था वो अपना हाई इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बच जाता है अपने पास लो इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। तो वो दोनों में से कोई भी ब्रिज है अपना लो इंडक्टेंस मेजरमेंट नहीं कर पाता है, उसको मेजर लो इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए अपना यूज करते हैं एंडरसन ब्रिज का। एंडरसन ब्रिज में आपने क्या किया, आपने एक फिक्स कैपेसिटर का यूज किया है और यहाँ पर आपने दो सिर्फ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करके आप कोई भी लो वैल्यू है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली अपने को इस ब्रिज में मैं बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है, क्या कुछ है। जो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, जो अपने पास कोई भी कोयल है जो अननोन है जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इस अननोन की वैल्यू अपने को निकालने के लिए सबसे पहले एक इसमें रेजिस्टेंस है एक इंडक्टर है, तो मैं इसको सिंपली डिनोट कर दे रहा हूँ R1 एंड L1 से, ठीक है। इसकी सीरीज में अपन एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा रखा है जो वेरिएबल होगा, इसलिए मैं इसको स्मॉल R1 से डिनोट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये Z1 वाली लाइन में ही है, तो ये अपना वेरिएबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अपना यहाँ पे क्या है R3 जो सिंपल रेजिस्टेंस है उसको मैं R3 से डिनोट कर दे रहा हूँ, इसको R2 से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे अपने पास रेजिस्टेंस बचता है एक फिक्स रेजिस्टेंस R4 से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे अपने पास कैपेसिटर है एक, जो अपने नल डिटेक्टर के वाली लाइन और इस पॉइंट के बीच में डिनोट किया। आप पॉइंट हर एक पॉइंट को नाम दे सकते हैं, आप पॉइंट को नाम दे देते हैं कोई भी आपका दिल करे, मैं ABCD दे रहा हूँ इनको, और इस पॉइंट को आप चाहें तो E नाम दे सकते हैं। इसके बाद में अपन सी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में अपन एक यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है, इसको भी मैं सिंपल R से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ये बन गया अपना एंडरसन ब्रिज। तो एंडरसन ब्रिज में आप देखेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या बन रहा है, बेसिकली एक डेल्टा बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेल्टा है। इस ब्रिज को कई बार सोल्व करने में दिक्कत आती है। ये ब्रिज आपको दूसरे तरीके से भी दिया हो सकता है, जैसे आप चाहे तो आप पहले इसको डेल्टा को सोल्व कर सकते हो, डेल्टा को सोल्व करके आप इसको स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए और उससे अभी आप ब्रिज बना सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेसिकली अपने पास यहाँ डेल्टा कैसा बन रहा है, इसमें अपना एक कैपेसिटर लगा हुआ है, बेसिकली जो अपना सी कैपेसिटर है यहाँ पे। उसके बाद में अपने पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है जो ये R है, और उसके बाद में एक ये रेजिस्टेंस है अपने पास सिंपली जो R4 वाला रेजिस्टेंस है, R4, ये सिंपली R और ये C, ये अपने पास एक बन रहा है डेल्टा सिंपली। तो इसको अपने जब स्टार में कन्वर्ट करेंगे, स्टार में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या होता है, सिंपली एक रेजिस्टेंस यहाँ से चाहिए अपने को, एक रेजिस्टेंस ये चाहिए और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ से चाहिएगा, ठीक है। तो आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको XYZ नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, अब आपको पता है स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आपको आती होगी। तो इसीलिए जैसे अपने को x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए जो इसके साइड वाले हैं जो दोनों आर्म्स हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई, तो अपने पास यहाँ पे क्या है R4 और स्मॉल R, तो इनकी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ये तीनों जो है R4 प्लस में R प्लस में C, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं R4 प्लस में R प्लस में 1 डिवाइड बाय जे ओमेगा सी। ये अपने आगे x की वैल्यू, सेम केस आप वाई के लिए करेंगे, तो वाई में क्या आ जाएगा, इसके साइड वाली आर्म्स कौन सी है, आर इंटू में सी 1 बाय जे ओमेगा सी आ जाएगा, और डिवाइड बाय आर प्लस R4 प्लस में 1 डिवाइड बाय जे ओमेगा सी। तो वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, वाई में अपना आ गया आर डिवाइड बाय जे ओमेगा सी डिवाइड बाय R4 प्लस आर प्लस 1 डिवाइड बाय जे ओमेगा सी। इसी तरह से आप जेड की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जब अपने पास यहाँ पे एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू आ जाएगी तो अपना ब्रिज किस तरह से, यहाँ जो डेल्टा है वो डेल्टा सोल्व होके एक स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो अपना स्टार यहाँ पे कैसे बनेगा, सिंपली आपको मैं फटाफट बना के बता दे रहा हूँ। स्टार बनाने के लिए आप देखिए अपने पास जो सिंपली रेजिस्टेंस और इंडक्टर था वो अपने पास ऐसे ही रहेंगे, और इसके साथ मैंने इंडक्टर अटैच कर दिया है। जो अपना यहाँ पे क्या था, वेरिएबल रेजिस्टेंस था R, वो सिंपल वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में अपने पास यहाँ पे क्या बचता था, ये R रेजिस्टेंस जो है ये R, इसके बाद में जो आपने चेंज किया ये X है, X इसके क्या सीरीज में आ जाएगा,
तो इस x को मैं सीरीज में लिखने, इसके लिए मैं ग्रीन पेन यूज करूँगा। ये x आ गया। इसके बाद में अपना यहाँ पे क्या था, ये वाला r2 है, ये r2 ऐसे का ऐसे ही आएगा, तो इस r2 को मैं सिंपली ऐसे लिख दे रहा हूँ। यहाँ से आने के बाद में इन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट कर रहा था r4, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ r4, ठीक है। इसको मैं r4 से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये अपना क्या था, r2 आ गया। ये अपना वेरिएबल क्या था, r1 था, सेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपना r1, l1 आ गया। यहाँ पे अपना क्या था, आर थ्री था। यहाँ पे आप देखिए आपने क्या किया, एक्स वाई और जेड तीनों कन्वर्ट कर दिए हैं, तो तीनों यहाँ पे आ जाएंगे, एक्स वाई और जेड। तो नल डिटेक्टर भी इसमें मैं लगा देता हूँ, ये डी से आपने नल डिटेक्टर को शो कर दिया है, जो अपने को दिखाएगा कि अपना बैलेंस हो चुका है या नहीं हो चुका है। ब्रिज बैलेंस जब होगा, जब इस आर्म का करंट सारा इधर फ्लो हो जाएगा, ये सारा इधर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शो करने के लिए अपना क्या है, जो अपनी वैल्यू आई है वाई की, वो भी यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि एक रेजिस्टेंस इधर भी तो आएगा, ठीक है। तो इनको आप सिंपली जो नाम है उनके दे देते हैं, एक्स वाई और जेड। मतलब जो अपना ने यहाँ पे डेल्टा था, उसको अपन ने सोल्व करके यहाँ पे स्टार में कन्वर्ट करके लगा दिया है, और इसको सिंपली आप एक सप्लाई दे देते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो अपना यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन था, उसको यहाँ पे स्टार में कन्वर्ट किया है, और उस स्टार को, डेल्टा को यहाँ से निकाल लिया, और जो अपना ये ग्रीन वाला स्टार आया था, वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया खाली इतने पोर्शन में, और इसमें अपन ने कुछ भी नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो अपने को पता है अपनी बैलेंस ब्रिज की इक्वेशन क्या होती थी, ब्रिज बैलेंस कब होता था। तो अब सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लेते हैं ब्रिज बैलेंस की। तो उसके लिए आप देखिए, अपने पास आपको पता है बैलेंस ब्रिज में क्या होगा, अपने पास जेड वन इंटू जेड फोर, जेड टू इंटू में जेड थ्री होता है। यहाँ पे ये है जेड फोर, इसको जेड, इसको आप जेड टू से डिनोट कर देते हो, और इसको जेड थ्री से डिनोट कर दे रहे हो। ये वाला सारा जेड थ्री हो जाता है, ये जेड वन है अपना, ये जेड फोर है, ये वाली पूरी आर्म, और ये वाली पूरी आर्म जेड टू है, ठीक है। तो अपना बैलेंस ब्रिज कब होता है, जेड वन जेड फोर इंटू जेड टू जेड थ्री, ये इक्वेशन हम सबको पता है। अब सिंपली देखिए जेड वन के अंदर अपना क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर है। तो अपने को करना कुछ नहीं है, सिंपली सबसे पहले वही लिख दे रहे हैं जो जो अपना इसमें आया हुआ है। तो मैं इसमें पहले लिख देता हूँ, अपना रेजिस्टेंस है R1, तो ये R1 प्लस में एक स्मॉल R1 और है, तो स्मॉल R1 भी मैंने लिख दिया। उसके बाद में अपना क्या है, एक इंडक्टर है, तो इसको भी मैं सिंपल लिख देता हूँ, J ओमेगा L1, ठीक है, इनटू में R4, या फिर आप इसको, आपने यहाँ पे क्या लिखा है Y, क्योंकि आप अभी इस ब्रिज को सोल्व कर रहे हैं, जो आपने डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट किया, तो आप स्टार वाले को लिखेंगे, तो इसको मैं सिंपली R4 या फिर वाई से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप लिखते हैं जेड टू इंटू में जेड थ्री, यहाँ भी जेड टू इंटू में जेड थ्री यही होगा सिंपली। तो जेड टू अपना यहाँ पे क्या है, आर टू, ठीक है, लेकिन जेड थ्री क्या है, जेड थ्री में अपना आर थ्री और एक्स भी है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे आर थ्री प्लस में एक्स, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ये आप कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जैसे आपने यहाँ पे डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट किया था, तो इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू आई थी, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे जहाँ भी आपको एक्स वाई जेड दिखे वहाँ पे इसको सिंपली पुट कर दो, ठीक है। तो पुट करने के बाद में क्या हो जाएगा, अपने पास वैल्यू निकल के आ जाती है, अपना आर वन क्या आ जाएगा, आर वन अपना बन गया आर टू इंटू बाई आर थ्री डिवाइड बाई आर फोर। ये तो बेसिक इक्वेशन है, R1 अपने को निकालना है, तो R2 इंटू में R3 डिवाइड बाई R4, लेकिन जो अपना यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस था R1, वो माइनस हो जाता है इसमें, यहाँ पे अपन माइनस में स्मॉल R1 भी लिखते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब देखिए अपने यहाँ पे निकालनी है इंडक्टर की वैल्यू, जो L1 अपना था। अब इसमें देखिए अपना जो इंडक्टर लगा हुआ था L1, वो कैसे निकालेंगे, L1 हो गया अपना यहाँ पे
सी आर टू डिवाइड बाय आर फोर, इसको आर आर थ्री प्लस में आर फोर प्लस आर थ्री इंटू में आर फोर, सिंपली ये हो जा रहा है। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, अपन ने इंडक्टर की वैल्यू भी निकाल ली, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। तो इसके बाद में अपना क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाता है, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर आपको पता है ओमेगा एल वन डिवाइड बाई आर वन। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको पता है इससे पहले अपन ने मैक्सवेल ब्रिज किया था, हे ब्रिज किया था, तो उनमें अपन ये चीज़ें निकालनी सीखी थी, काफ़ी ईजी है। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे पीछे वाले लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। अभी अपने को पता था इसमें अपन ने अननोन कोई भी कोयल थी जिसका बहुत ही कम इंडक्टेंस था, बोलते हैं वेरी लो इंडक्टेंस था, उसको अपन ने फाइंड आउट कर लिया। सिंपली अपने पास स्टार्टिंग में इसमें क्या होता था, डेल्टा बनाया होता है, इसमें अपन एक वेरिएबल दो वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, सॉरी एक को स्मॉल आर से डिनोट कर रखा है, एक को स्मॉल आर वन से डिनोट कर रखा है। एक है जो अपनी लो इंडक्टेंस वाली कोयल होती है उसकी सीरीज में यूज किया जो अपन ने आर वन है, और दूसरे को यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। इनकी वैल्यू आप वेरी करके जब अपना डिटेक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता वो जीरो हो जाता है, उस टाइम आप देख लेते हैं अपना ब्रिज बैलेंस है और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली है रेजिस्टेंस की और इंडक्टर की। अभी बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज तो यही हो जाएगी कि अपना लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो लेस देन वन के लिए मेजरमेंट में यूज होता है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं कि ये लो वैल्यू के लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी भी होता है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी का इस पर कोई भी वो इफेक्ट नहीं आता। और इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, अपने पास यहाँ पे स्टार्टिंग में डेल्टा होता है, डेल्टा टू अपने को स्टार कन्वर्ट करना पड़ता है। और दूसरा बस यही आती है अपनी डिसएडवांटेज।